नमस्कार साथियों, आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे भाई कि एक थोड़ा सा विस्तार पूर्वक 8-10 मिनट का वीडियो हो सकता है, पूरा देखिए। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया में बैठे हैं, चाहे आप किसी भी देश में, सबसे बड़ी कंट्री हम US अमेरिका को मानते हैं, छोटी से छोटी गल्फ देश दुबई मान सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप मान सकते हैं, सभी देशों से रिलेटेड जो लोग इंडिया से अदर कंट्री जाना चाहते हैं या फिर किसी भी देश में बैठे होंगे, जी हाँ, तो आप लोगों से क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आप नीचे आंसर भी उनका देना, आप लोगों से सजेशन भी मैं मांगूंगा कुछ टॉपिक के माध्यम से कि आपको क्या पता इंडिया में कितने लोगों के साथ इंडिया में ठगी होती है रोज़ विदेश जॉब के नाम से। जी हाँ, आपको पता होता है कितने लोग इंडिया में रोज़ ठगे जाते हैं फर्जी ऑफर लेटर के नाम से, फर्जी वीज़ा के नाम से, फर्जी जॉब के नाम से, या फिर विदेश में जाकर भी उनके साथ ठगी होती है, क्योंकि कहीं कंपनी गलत हो जाती है, किसी को लोगों को तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती है, लोग बीमार हो जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, या बहुत सारी समस्याएं विदेश में भी बंदे फंस जाते हैं तो उनका समाधान क्या हो। जी हाँ, ये एक इसलिए पूरा चक्कर चलता है कि एक इंसान को पता नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने LLB किया है या आपने कोई डिग्री किया तो आपको उसके बारे में पता है, लेकिन अब मुझे कोई पूछ ले ऑपरेशन डॉक्टरी के बारे में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हर आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। ये एक मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, एक आदमी एक ही चीज़ में एक्सपर्ट होता है। अब डॉक्टरी में बात करें तो हर चीज़ों की, आँख का अलग डॉक्टर होता है, नाक का अलग होता है, हड्डियों का अलग होता है, आपने देखा होगा ना, गले का डॉक्टर अलग होता है क्योंकि वो उसी में एक्सपर्ट है, एक डॉक्टर सब पूरी बॉडी पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तो ये एक एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि विदेश जाने वाले लोग, ठीक है वो एक्सपर्ट होंगे, आप अपनी जगह बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए होंगे, आपके पास डॉक्टरेट होगी, आप बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट पे आपने इंडिया में जॉब कर रहे होंगे, लेकिन विदेश जॉब के मामले में आप ठगे जा सकते हैं, क्योंकि आपको उन चीज़ों का नॉलेज बिल्कुल 0/0 है, नॉलेज नहीं है। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल की अगर मैं बताऊँ तो 2010 से मैं इस फील्ड में हूँ ऑनलाइन, समझ गए, काफ़ी टाइम से पहले ऑफलाइन सिस्टम हुआ करता था, फिर ऑनलाइन हो गया यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जब से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हूँ तो मेरे पास, आप यकीन नहीं करोगे कि एवरेज अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि महीने के करोड़ों रुपए, रोज़ की अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल के तौर पर देखता हूँ तो दिन के लाखों करोड़ों रुपये लोग इंडिया के साथ, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर लोगों के साथ ठगी होती है विदेश जॉब के नाम से। जी हाँ, तो अगर इसको साल में कन्वर्ट करें तो कितने, और सबसे बड़ा गढ़ आपको पता है पंजाब में विरोप कंट्री के नाम से ठगी होती है। जी हाँ, और भाई देखिए, जिसके ठोकर लगती है ना उसी को समझ में आती है, मैं भी इस फील्ड में ऐसे ही नहीं आया हूँ, मुझे भी ठोकर लगी है बहुत ज़्यादा, लाखों रुपए में चपत लगी है। जी हाँ, एक धोखा हुआ था मेरे साथ में, वो मैं आगे आने वाले समय पर एक्सप्लेन करूँगा पूरे विथ प्रूफ के साथ में, क्योंकि मैं कोई भी बात बिना एविडेंस के नहीं करता। तो इस फील्ड में आने के बाद ऑनलाइन मैं देखा, मैं मलेशिया भी गया हूँ, मैं दुबई भी गया हूँ, अभी ये कोविड चल गया 2 साल से, वरना मेरा टारगेट था अलग अलग देशों में जाके वहाँ की स्थिति देखना, वहाँ के लेबर लॉ के बारे में जानना, लोगों की स्थिति के बारे में जानना, लेकिन ये 2 साल के करीब हो गए, आपको पता है कोविड चल रहा है भाई, तो 2022 में उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो जाए तो हम विदेश में अलग अलग देशों में जाएं। लेकिन मैंने एक प्लान सोचा कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं किसी बुक के माध्यम से, क्योंकि अब आप लोगों के इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप सभी लोग सब जगह अलग अलग करते होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया मुझे तो फॉलो नहीं करती। इंडिया के अगर देखा जाए तो 4 से 5 करोड़ लोग विदेश में रहते हैं NRI के तौर पर, बिजनेस के तौर पर, किसी भी तौर पर 4 से 5 करोड़ लोग। अब मेरे साथ तो कितने लोग जुड़े हैं भाई, लाखों में जुड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि भाई चलो हम कुछ अपना एक्सपीरियंस, आप लोगों की इतनी शिकायतें आती हैं, हमारा ये पैसा डूब गया, पासपोर्ट डूब गया, पैसे डूब गए, हमारे साथ चीटिंग हो गई, तो A to Z प्रोसेस, A से लेके Z तक जो भी विदेश जाने के बारे में आप जब बात माइंड में आती है ना कि मैं विदेश जाऊंगा, तो पासपोर्ट से शुरुआत होती है, तब से जाके आप विदेश जाके वापस आ जाते हो, उतने दौरान कितनी प्रक्रिया, कितना प्रोसेस होता है, उसके बारे में मैं बुक के माध्यम से आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूं। तो मैं काफ़ी टाइम से एक बुक लिख भी रहा हूं, आपको मैं बता दूं, आपको मैं इसीलिए आपसे सजेशन मांग रहा हूं कि कुछ मैंने लगभग 50 पॉइंट लिखे हैं, नोट किए हैं, 50 वो पॉइंट हैं जो आपको विदेश जाने के मामले में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, टोटल पॉइंट हैं, उनमें मैं आपको मुख जबानी भी बताऊंगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी मैं पॉइंट डाल दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर इनके अलावा आपके माइंड में कोई सजेशन है, कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि उस पॉइंट को हम उस बुक में शामिल कर सकें। जी हाँ, उम्मीद मैं करता हूँ कि अक्टूबर के महीने में ये बुक मैं कोशिश करके इसको कंप्लीट कर ली जाएगी। तो अगर आप ये बुक खरीदना भी चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं कुछ,
भाई देखिए, मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कहीं से उठा कर आपको डाल रहा हूँ, कहीं मिलेगी भी नहीं ये बुक। मैंने पूरी कोशिश कर ली, इंडिया में जितने भी इंडिया का जो लेबर लॉ बना हुआ है वो इंडिया के बारे में बताता है, विदेश के लेबर लॉ के बारे में। दुबई में गया था, मैंने पूरी कोशिश की, मुझे कहीं पर भी कोई लेबर लॉ की बुक नहीं मिली। लोगों ने बोला हाँ दिलवाते हैं, कोशिश करते, नहीं मिली। और भी अलग अलग देशों में मैं लोगों से कॉन्टेक्ट करता हूँ कि यार मुझे उस देश का लेबर लॉ के बारे में पता, लेकिन बुक नहीं मिलती है। जी हाँ, ये जो देखिए भाई, रजिस्टर है ये मैं खरीद के लाया था इंडिया से। जी हाँ, 260 रुपये का रजिस्टर है और काफ़ी टाइम से मैं खुद हाथ से लिख रहा हूँ इसको। जी हाँ, काफ़ी लोग कंप्यूटर पे भी लें, लेकिन वो इतना अपने पास सिस्टम वो हालांकि बाद में पीडीएफ बन जाती है। आप देख सकते हैं ये बुक है, इसमें मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, एक से लेके ये 32 हो गए, इधर ये लगभग 48 पॉइंट हैं, पर यानी 48 पॉइंट हैं। इसमें मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट मैं आपको सबको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। ये हालांकि रफली है एक तरीके से, इसको फिर कंप्यूटर से टाइपिंग होगी, फिर इसका पीडीएफ बनेगा, फिर ये बुक बनने के लिए जाएगी। ठीक है जी, तो ये 48 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इनके अलावा अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में सजेशन कर दें, या फिर कमेंट में कर दो ताकि मैं कमेंट पढ़ के उसको ऐड कर सके। जी हाँ, इसमें अगर पॉइंटों की बात करें तो आप देख सकते हैं मैं पूरी बुक इसमें लिख रहा हूँ धीरे धीरे। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एक तरीके से पूरा बनाया हुआ है, ये पूरा इस तरीके से पूरी बुक है। ये पूरी एकदम मैं मेरे हाथ से लिख के फिर इसको पीडीएफ में डालूंगा। इसको लिखते हुए मुझे लगभग 6 महीने से ऊपर का टाइम हो रहा है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये बुक लिखी जा रही है विदेश से संबंधित जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम है। अगर ये बुक आप पढ़ लोगे तो मैं गारंटी ले लूँगा इसकी कि आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की धोखा और चीटिंग नहीं होगी। जी हाँ, किसी भी प्रकार की एक्स वाई जेड, ये देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ तक मैंने नोट कर लिए हैं 34 पॉइंट। ये अभी मैं लिखूँगा, इसके 15-16 पॉइंट और बाकी अभी पड़े हैं। और अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर बताना, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँ कि मैंने कौन कौन से पॉइंट इसमें नोट किए हैं। जी हाँ, सबसे पहले जो बुक की प्रस्तावना आती है वो है, हालांकि पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसको फिर मैनेज कर लेंगे कि कौन सी बातें पहले आनी चाहिए कौन सी बाद में आनी चाहिए। पहले आप सुन लीजिए, भारत के बाहर जॉब कैसे करें, भारत के बाहर जॉब के लिए लोग क्यों जाते हैं, विदेशों में इन जॉबों में अच्छी कौन से जॉबों में कौन सी सैलरी अच्छी होती है, अच्छे जॉब के लिए कोर्स कौन से करने चाहिए, भारत में जॉब फ्रॉड होता है इसके बारे में, भारत में मैनपावर ऑफिस, विदेश में इंडियन एम्बेसी कि आपसे इंडियन एम्बेसी आपकी क्या हेल्प करती है, इंडिया में विदेशी एम्बेसी उनका पूरा एड्रेस पता वगैरह इस बुक में मिलेगा, गमका मेडिकल हॉस्पिटल पता, पूरा एड्रेस गमका का इंडिया में कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे होता है अथोराइज मेडिकल, वो इसमें लिस्ट में मिल जाएगा आपको, कौन कौन से मेडिकल देशों के होते हैं और फीस चार्ज कितना होता है, यानी मेडिकल के नाम से भाई नाम से सबसे बड़ी चीटिंग होती है, कौन कौन से मेडिकल से रिलेटेड चार्ज कितने लगते हैं, जॉब फ्रॉड से बचने का तरीका क्या है, वीज़ा चेक कैसे करवाएँ, ऑफर लेटर चेक कैसे करवाएं, विदेश में फंसे तो आप क्या करें, वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं, टिकट कैसे करवाएं, कहां से करवाएं, सस्ती टिकट कैसे मिलती है, वीज़ा कितने कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वीज़ा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं सभी प्रकार के वीज़ा में, इमिग्रेशन क्या होता है, पासपोर्ट कैसे बनाएं, डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं, एजेंट को पैसे न दें, वीज़ा स्टाम्प कैसे करवाएं, वीज़ा स्टाम्प का खर्च क्या होता है, चार्ज की बात करें तो अच्छे एजेंट की पहचान, अच्छे मैनपावर ऑफिस जो गवर्नमेंट अथोराइज है वो आपको लिस्ट इसमें मिल जाएगी जितने भी इंडिया में हैं, वीज़ा फ्री देश ऑन अराइवल जो कंट्री होती हैं वो कौन कौन से देश हैं पूरी लिस्ट आपको मिलेगी, वीज़ा के चार्ज खर्चा कितना लगता है वो भी आपको सभी बुक में मिलेगा, वीज़ा अप्लाई कहाँ से करें और कहाँ से करना चाहिए, विदेशों में विदेश से आते समय गोल्ड आप इंडिया में कितना लेके आ सकते हैं, एयरपोर्ट टैक्स वगैरह सब इसमें डिटेल मिलेगी, एजेंट से पैसा और पासपोर्ट अगर आपके फंस गए हैं तो आप कैसे निकालें, विजिट टू वर्क परमिट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इसके बारे में डिटेल मिलेगी, विदेशों में कितने इंडियंस रहते हैं और किन किन देशों में रहते हैं पूरी आपको जानकारी इसमें मिलेगी, एयरपोर्ट पर अगर आप नए हैं जाते हैं फर्स्ट टाइम में तो इमिग्रेशन क्लियर कैसे करें जबकि आपको इंग्लिश नहीं आती, पूरी इसमें डिटेल मिल जाएगी, कंपनी सही अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो सही गलत की पहचान कैसे करें इस बुक में जानकारी मिलेगी, विदेश जाने में कितना खर्चा आता है अलग अलग देशों के बारे में हम बात करेंगे, वीज़ा वर्क परमिट वीज़ा कितने साल का होता है इसमें डिटेल से हम बात करेंगे, वर्क अग्रीमेंट क्या होता है, विदेश में इंडियन एम्बेसी क्या हेल्प कर सकती है, इंडियन एम्बेसी का क्या रोल रहता है, भाई आप विदेश में अगर फंस जाते हैं तो उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है और आपके पास क्या अधिकार है इंडियन एम्बेसी से हेल्प लेने के लिए, जी हाँ, कौन से देश में जॉब में जाना चाहिए ये भी एक अलग टॉपिक है हम बात करेंगे, विदेश जॉब से पहले सैलरी पासपोर्ट ऑफिस एजेंट जॉब इसके बारे में हम इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, विदेश मंत्रालय विदेश मंत्री का विदेशों में क्या रोल रहता है इसके बारे में हम बात करेंगे,
इंडिया का भाव विदेशी करेंसी में, जी हाँ इंडियन करेंसी का विदेशों में क्या भाव चलता है, गोल्ड प्राइस विदेशों में क्या है, एयरपोर्ट कस्टम ड्यूटी प्राइस वगैरह हम बात करेंगे, विदेश जाते समय क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए जिसको आपको नुकसान नहीं हो, इंडियन करेंसी विदेशों में वैल्यू है जी हाँ, और विदेशी करेंसी की इंडिया में कितना भाव बनता है, कितनी करेंसी का जो रेट है उसके बारे में बात करेंगे, पासपोर्ट की PCC के बारे में बात करेंगे, कई देशों में PCC मांगते हैं जैसे कुवैत वगैरह में, पासपोर्ट खो जाने में आपको आप क्या करें, चाहे इंडिया में खोए या आप विदेश में पासपोर्ट खोए तो आप क्या कर सकते हैं, वीजा फ्री देश कैसे जाएं, वीजा फ्री देश कैसे, यानी कई वीजा फ्री देश होते हैं वो कैसे जाएं, ये मैंने 48 पॉइंट लिखे हैं जी। जी हाँ, अब इनके अलावा आपको ये बताना है कि इसमें कौन से पॉइंट हमें ऐड और करने चाहिए, हालांकि पॉइंट बहुत हैं भाई, पॉइंट तो इतने हैं कि बुक इतनी बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है कि बंदे से पढ़ा नहीं जाता, कानून की किताबें होती ना इतनी इतनी मोटी उतनी बड़ी बन जाती है, लेकिन हम टॉपिक मेन ये है कि ए टू लेट से, हालांकि अलग अलग देशों में अलग अलग कानून लेबर लॉ बने उनकी बात नहीं कर रहे हम, बेसिक पॉइंट में कि बंदों के साथ आपके साथ क्या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर सजेशन दें, उसके बारे में भी हम इसमें मेंशन ज़रूर करेंगे। सुझाव इसलिए मांगा है कि भाई बुक कंप्लीट होने से पहले कोई पॉइंट रह नहीं जाए, छूट नहीं जाए, इसलिए आप सजेशन करें कमेंट में और उसको मैं नोट करके रीड करके इसमें मेंशन करके इस बुक को हम अगले महीने में कोशिश करूंगा अक्टूबर तक इसको कंप्लीट कर लें। जी हाँ, अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो पहली बार अगर आप खरीदते हैं तो आप बुक की प्राइस की बात कर लें तो आप ये सोचोगे कितने की हो सकती है रेट के माध्यम से, भाई मैं आपका आप बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में ज्ञान भी देने लग जाएंगे अपना, लेकिन ज्ञान न दें, बुक का खर्चा भी होता है, समझ गए बात को, और विदेश जाने के लिए कम से कम मैं मानता हूँ कि लाख रुपए बंदे का खर्च पड़ जाता है, आराम से पड़ जाता है ना, और लाख छोड़िए यार, लोग मेडिकल के नाम से आपसे 5 से 10 हज़ार रुपये आराम से ले लेते हैं और आप राजी होकर दे भी दे देते हो, ऑफिस चार्ज के नाम से प्रोसेसिंग फीस के नाम से 2,000 से 3,000 5,000 रुपये आराम से दे देते हो, तो फर्स्ट टाइम में अगर एक महीने के दौरान इस बुक को आप बुक खरीदते हैं या एडवांस पेमेंट जमा करवाते हैं तो 1100 रुपये में, जहाँ तक मेरी है रेट मैंने प्राइस रखी है 1100 रुपये ओनली, ये बुक आपको मिल जाएगी, समझ सकते हैं। दूसरी बात, विदेश जॉब के नाम से लाख रुपये मोटा मोटी आदमी का खर्चा हो जाता है तो कोई उसके सामने 1100 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। दूसरी बात, ये बुक आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाली बुक है, क्योंकि एक बार इसको खरीद लोगे ना तो लाइफ टाइम में आपको कहीं पर भी फंसने की झंझट ही नहीं रहेगा, कंप्लीट बातें इसके अनुसार आप फॉलो कर लोगे, इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक मैंने मेरी कोशिश करी है नहीं छोड़ा है कि आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत पड़े, पूरी जानकारी आपको घर बैठे इस बुक के माध्यम से मिल जाएगी, कोई भी इंक्वायरी लेना चाहोगे तो इस बुक में आपको मिल जाएगी सब कुछ जो आप विदेश से रिलेटेड जानना चाहते हो। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर करें, और अपना राय या अपने कोई बात को है तो कमेंट में जरूर करें, उस पर हम विचार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, जय हिंद।